हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साथ साथ याद भी करवाता रहूँगा ट्रिक के माध्यम से, जिसे आप कभी नहीं बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। हम इस वीडियो में सात फंक्शन पढ़ने वाले हैं जो माइकल हैलिडे ने दिए थे। बाकी और भी फंक्शन कई थ्योरिस्ट ने दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में माइकल हैलिडे के पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हम देखिए पूछ रहे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के कार्य क्या हैं, लैंग्वेज कहाँ क्या काम करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला होता है लैंग्वेज इज़ यूज टू कम्युनिकेट। हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज़, एक तो नीड और वांट, यानी हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी की इच्छा क्या है, उसको प्रकट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे बच्चा बोल रहा है आई वॉन्ट टॉय, यानी बच्चे की क्या इच्छा है कि उसको टॉय चाहिए या उसकी नीड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल, अब यानी किसी चीज़ को इच्छा प्रकट कर रहे हो, उसकी ज़रूरत है, उससे रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंटल। अब इसको याद कैसे रखना है वो ट्रिक से करते हैं हम लोग। देखिए इंस्ट्रूमेंटल में हम क्या निकाल सकते हैं वर्ड, अगर हम ए एल हटा दें तो क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक तरह का क्या हो गया, खिलौना। इंस्ट्रूमेंट एक तरह का खिलौना हो गया ना। अब खिलौना क्या है, बच्चे को चाहिए आई वॉन्ट टॉय, यानी उसकी इच्छा है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी इच्छा वाला वर्ड आ गया तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, इंस्ट्रूमेंटल से। ठीक है, अब ऐसे पेपर में पूछेगा कि किसी की ज़रूरत क्या है, इच्छा क्या, आप इच्छा से आपको याद आएगा कि बच्चे का खिलौना। ठीक है, और बच्चे का खिलौना मतलब इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लैंग्वेज को आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज का कार्य क्या है। लैंग्वेज इज़ यूज टू इंटरेक्ट और टू फॉर्म रिलेशनशिप, इंटरेक्ट करने के लिए और रिलेशनशिप बनाने के लिए। इंटरेक्ट मतलब क्या होता है, दो जनों के बीच में बातचीत, जैसे आप सोसाइटी में बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो मतलब इंटरेक्शन है, टू वे कम्युनिकेशन, यानी एक बोल रहा है फिर दूसरा बोल रहा है, इस तरह से उसी से आप रिलेशनशिप दोस्त वोस्त बनते हैं आपके सोसाइटी में, या क्लासरूम में भी क्या है, टीचर और बच्चे बोल रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो क्या ईजी है, और तो जब भी पूछेगा आपका पेपर में कि इंटरेक्ट करने के लिए, सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो आपको याद आ जाएगा इंटरेक्ट आ रहा है तो इंटरेक्शनल, ये तो ईजी था, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इंटरेक्शनल मतलब यानी इंटरेक्ट हो रहा है, दो जनों के बीच में होगा, बस दो या दो से ज़्यादा। अब लैंग्वेज का एक और कार्य क्या है, अब देखो लैंग्वेज का यूज़ क्या करते हैं हम, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ना, बोल के चाहे लिख के, तो वो भी एक लैंग्वेज का कार्य है। जैसे अब एग्जाम्पल हम देखें, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, मान लो सेल्स का इंटरव्यू देने जा रहा है, तो इंटरव्यू वाला क्या पूछेगा, सेल मी दिस पेन, वो बोलेगा सेल मी दिस पेन। अब जो इंटरव्यू देने गया है वो उस पेन की क्या है, क्वालिटीज़ बताएगा कि इस पेन की निब इतनी है, ये इतना चलता है ना, ये वाटरप्रूफ इंक है इसकी, तो इस तरह की क्वालिटीज़ बताएगा। मतलब क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये होता है इसका मतलब। अब इसको क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेशनल बोलते हैं इस फंक्शन को। अब इसको आपको याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ, ट्रिक से आप याद रखेंगे। देखिए रिप्रेजेंटेशनल है ना, तो इसमें आप आगे का आर ई हटा दो री, और यहाँ पे हम ए एल हटा देंगे, तो क्या बन गया, प्रेजेंटेशन। क्योंकि आप टीचर हैं, तो जब भी आपका टीचिंग का एस ई पी चलते ना, स्कूल एजुकेशन पर आपकी ट्रेनिंग चलती है स्कूलों में, तो आपको आपको प्रेजेंटेशन बन देनी होती है टीचर्स के आगे। अब टीचर्स के आगे जो प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें भी क्या करते हैं आप, एक्सप्लेन ही तो करते हैं कोई टॉपिक, आप उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जब भी आपके पूछेगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ही तो होगी एक तरह से, प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेशनल। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो ये अच्छा तरीका होता है याद रखने का किसी चीज़ को कोरिलेट करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज का अगला फंक्शन क्या होता है, लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं कैसे, अपना ओपिनियन देने के लिए या अपना इमोशंस बताने के लिए आप क्या है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे ट्विटर चलता है, सोशल मीडिया, लोग क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उस पर। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, और ओपिनियन क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कोई पॉलिटिक्स की पार्टी, किसी को फला नेता पसंद है, किसी को दूसरा नेता पसंद है ना, इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे आई लाइक दिस बिस्किट, एक का ओपिनियन है आई लाइक दिस बिस्किट, हो सकता है किसी दूसरे को ना पसंद हो। तो ये सबका ओपिनियन जो है आपका अलग अलग होता है। तो जब भी ओपिनियन वाला जो होता है या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम पर्सनल। क्या बोलेंगे हम, पर्सनल। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं,
देखिए इसको कोरिलेट करेंगे हम। अब जैसे मैंने क्या बताया, ओपिनियन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ओपिनियन क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ओपिनियन हर किसी का अलग अलग होता है, कोई वीडियो को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है, सबका ओपिनियन अलग अलग है। तो ओपिनियन क्या है सबका, जैसे मोबाइल फ़ोन सबके अलग अलग होते हैं यानी पर्सनल होते हैं ना, मोबाइल फ़ोन सबके अलग अलग होते हैं यानी पर्सनल होते हैं, तो इसी तरह से ओपिनियन भी होते हैं अलग अलग, अलग अलग मतलब पर्सनल। तो इस तरह से आप याद रख पाएंगे, ठीक है, ईजी था। देखिए नेक्स्ट, अब लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे क्लास में क्या है, कोई टीचर है वो क्या बोलता है, डोंट मेक अ नॉइस, क्लास में शोर मच रहा है, बच्चे चुप हो गए, यानी टीचर की बातों का सीधा इफेक्ट पड़ा। जैसे मान लो और एग्जांपल लेंगे हम, पॉलिटिक्स में कोई नेता है जो अच्छी तरह से बोलता है, तो वो सामने वाले को जो है बिहेवियर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो उस वाले, अब लैंग्वेज को जब यूज़ किया जाता है सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम रेगुलेटरी, ठीक है। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेगुलेटरी। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए इजी है। अब रेगुलेटरी से हम क्या कर देंगे, रेगुलेटर, वाई हटा दो आप, ये क्या बन गया हमारा, रेगुलेटर। अब रेगुलेटर को आप क्या, कहाँ देखा है आपने, जो गैस सिलेंडर्स आते हैं एलपीजी वाले, उसमें होता है रेगुलेटर, है ना। तो रेगुलेटर क्या कर रहा है, एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है गैस चूल्हे को, जो गैस को ऑन ऑफ ऑन ऑफ, रेगुलेटर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यानी इन्फ्लुएंस का मतलब भी कंट्रोल होता है, एक तरह से प्रभाव डालना है, कंट्रोल करना, और रेगुलेटर का भी कंट्रोल करने का काम हो गया। तो जब भी आपके पेपर में पूछेगा कि इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर को दूसरों के, तो इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल, और कंट्रोल से आपके दिमाग में आएगा गैस का रेगुलेटर, रेगुलेटर से बन जाएगा आपका रेगुलेटरी, ठीक है। आप इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब लैंग्वेज का एक और फंक्शन क्या होगा, टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है। टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यानी किसी चीज़ को आप क्यूरियोसिटी है, आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं। जैसे आपका क्या क्यूरियोसिटी है, हाउ डू यू मेक, आपको पतंग बनानी है, तो हाउ डू यू मेक दिस काइट, किसी ने पतंग बनाई, आप जानना चाहते हैं कि ये पतंग बनती कैसे, हाउ डू यू मेक दिस काइट, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जबकि हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं हम ह्यूरिस्टिक, क्या बोलेंगे, ह्यूरिस्टिक। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, अब देखिए ह्यूरिस्टिक से आप क्या निकाल सकते हैं, एक तरह से अगर हम ह्यू घटा दें, है ना, तो ये रिस्ट्रिक, रिस्ट्रिक से आप बना लेंगे रिस्ट्रिक्शन, यानी किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन। अब आजकल के टाइम पे क्या है, कोई आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बेझिझक गूगल से पूछ सकते हैं, है ना। पहले तो क्या रिस्ट्रिक्शन होती थी, अब मान लो कोई क्वेश्चन है, आप टीचर से पूछेंगे तो टाइम होता था कि कब पूछना है, लेकिन आजकल क्या, गूगल से आप जब मर्जी पूछ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब भी आपको पूछने का रिलेटेड आए कोई भी, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ढूंढने हैं, तो ढूंढने में क्या है, आजकल के आपके टाइम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन से आप क्या बना देंगे, ह्यूरिस्टिक। इस तरह से आप याद रख पाएंगे, ठीक है। तो ये छह फंक्शन हो गया, सातवां देखते हैं, टू एक्सप्रेस क्रिएटिव लैंग्वेज, टू एक्सप्रेस क्रिएटिव लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल की बात करें, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, अब बच्चे के हर चीज़ की इमेजिनेशन करते हैं आप, अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को कोई पेंटिंग दो तो क्या, एलिफेंट का अलग कलर कर देंगे, लायन को रंग बिरंगा बना देंगे, तो क्रिएटिविटी चलती रहती है उनके दिमाग में, यानी इमेजिनेशन चलती रहती है। तो जब भी, अब इस तरह की जो फंक्शन होता है लैंग्वेज, उसको बोलते हैं हम इमेजिनेटिव, ठीक है। तो ये आपको इजी है याद करना, क्योंकि क्रिएटिव आ रहा है, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी कब आएगी, जब कोई चीज़ इमेजिनेशन करेगा बच्चा, जब बच्चा इमेजिनेशन करेगा तभी तो क्रिएटिविटी आएगी। तो आप इमेजिनेशन वाला याद कर सकते हैं क्रिएटिव लैंग्वेज से, तो ये ईजी था, आप इसको डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे। तो ये जो है माइकल हैलिडे के साथ फंक्शन दिए थे उन्होंने लैंग्वेज के, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब होपफुली अब वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।